अफेयर्स। अविनाश गौतम जी, 1 मिनट का डिले अगर आपको पंचुअलिटी का इशू लगता है तो पता नहीं आपको क्या लगता है, बिकॉज 1 मिनट का डिले तो इंसान के साथ हो ही सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह रेगुलर होंगे, बिकॉज इतना अगर आप पंचुअलिटी पे फोकस कर रहे हैं तो प्लीज़ फोकस ऑन द कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग। ऑलराइट, माय नेम इज़ कुश पांडे एंड यू आर वाचिंग द 11th एंड 12th अक्टूबर करंट अफेयर्स हेडलाइंस। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन गाइज, अ वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग गाइज। उम्मीद है कि आप सबके जो पेपर्स हैं वो हो गए होंगे एंड अब आप रेडी हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए, बिकॉज गाइज वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीज़न। ऑलराइट, एंड अगर आपके एग्ज़ाम अच्छे गए हैं बहुत अच्छी बात है, ख़राब गए उससे भी अच्छी बात है। रीज़न वाई, बिकॉज अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो और भी अच्छा है, बिकॉज फिर वो भगवान की मर्ज़ी है, फिर वो ऑलमाइटी की मर्ज़ी है, फिर वो ग्रेटर सोल की मर्ज़ी है एंड इट विल बी बेटर। राइट, सो परेशान ना होइए, फटाफट ज़रा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा यस सर, 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 ताकि मैं समझ पाऊँ आप लोग रेडी हैं और आप लोग तैयार हैं। सो अगेन आई वेलकम एवरीवन टू द डेली करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू, और आज हम बात करेंगे 11th एंड 12th अक्टूबर हेडलाइंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिपीट फिर से कर दूँ, जो लोग सेशन को पहली बार देख रहे हैं, दोज पीपल हू आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मॉर्निंग करंट अफेयर्स एज वेल एज इवनिंग करंट अफेयर्स एट 4 PM आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो देखते रहिए और आपका चाहे एग्ज़ाम बैंक का हो, SSC का हो, रेलवेज़ का हो, UPSC का हो, PSC का हो, डिफेंस का हो या टीचिंग का हो, ये सारे एग्ज़ाम्स आपके कवर हो जाते हैं। सो अ वेरी वार्म वेलकम अगैन। चलिए आज गाइज पहले हम डिस्कस करेंगे 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नंबर 1। नंबर 2 गाइज आपका 11-12 अक्टूबर द हिंदू, देन 11-12 अक्टूबर PIB, देन 11-12 अक्टूबर ऑल इंडिया रेडियो DD न्यूज़, और फिर हम बात करेंगे आज कुछ सर की न्यूज़ वाइन्स का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एंड ये रहा आपके सामने हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सो ऑल द एवेंजर्स, ऑल माय डियर रेगुलर व्यूअर्स, प्लीज़ असेंबल। एंड जल्दी से मैं एक बार आखिरी बार बोलूँगा, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं शेयर किया है प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वीडियो सब तक पहुँच जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हाट इज़ द रेट ऑफ रेपो एज पर द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू? अभी हाल ही में जो मौद्रिक समीक्षा आई थी उसके हिसाब से भारत का रेपो रेट कितना है? 4%, 3.75%, 3.5%, 4.4% या फिर आपका 4.1%? एंड द आंसर इज इट इज़ 4%। क्वेश्चन नंबर 2 गाइज, व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिवर्स रेपो? अगर रेपो रेट आपका 4% है तो रेट ऑफ रिवर्स रेपो कितना है? बिल्कुल सही, द आंसर इज इट इज़ 3.35%। जो लोग नहीं जानते हैं रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच RBI provides surplus money to the banks for short term। 0 से 90 दिनों के लिए RBI जिस रेट पर एक बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, सरप्लस प्रोवाइड करती है, उसे कहा जाता है रेपो रेट। द मिनिमम डेज आर 0 एंड द मैक्सिमम डेज आर 90%। अच्छा, मेरे को जरा फटाफट बता दीजिए, अगर रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है, देन व्हाट इज़ आपका MSF आपका दोस्तों जो है, एंड बैंक रेट भी आपका दोस्तों जो है दैट इज़ 4.25%। MSF का फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मैं इसीलिए बार बार रिपीट आपसे करता हूँ कि अगर आप रेगुलर हो जाओगे ना तो आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट सिस्टम शैल बी मेड 24/7 बाय डिसम्बर 2020? इनमें से आपका वो कौन सा पेमेंट पद्धति है जिसे 24 घंटे 7 दिन किया जाएगा दिसंबर 2020 से? NEFT, RTGS, IMPS, UPI या फिर आपका EFT POS? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन B, दैट इज़ RTGS। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है ये आपका अब 24/7 जो है वो करा दिया गया है। मेरा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आप सबसे, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, इनमें से मिनिमम लिमिट ऑफ पेमेंट आपकी 2 लाख रुपए किसकी है? फटाफट बताइएगा, मिनिमम लिमिट ऑफ पेमेंट 2 लाख रुपए किसकी है? इसका आंसर है आपका RTGS। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, किसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है और किसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है? देयर इज़ नो मिनिमम वैल्यू एंड देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। द आंसर इज इट इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, जो खुद भी अब आपका 24/7 इस साल जनवरी से हो गया है। NEFT का आपका ना तो कोई मिनिमम वैल्यू है और ना ही कोई आपकी मैक्सिमम वैल्यू बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग गाइस, अपार्ट फ्रॉम आईएमपीएस, अगर आईएमपीएस को हटा दें तो इनमें से वो कौन सा और आपका पेमेंट सिस्टम है जहां पर 2 लाख रुपए तक का पेमेंट आप एक दिन में कर सकते हो. द मैक्सिमम लिमिट फॉर दैट पेमेंट अपार्ट फ्रॉम आईएमपीएस इज ₹2 लाख. द आंसर इज इट इज़ यूपीआई. यूपीआई का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है. यूपीआई का फुल फॉर्म है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. क्या फुल फॉर्म है इसका? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. और आखिरी सवाल मेरा आपसे है EFT POS का फुल फॉर्म क्या है? जरा बताएंगे मेरे को, कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EFT POS? नहीं पता है प्लीज़ देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में आएगा. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र थ्रू पॉइंट ऑफ सेल, थ्रू पॉइंट ऑफ सेल, ये इसका फुल फॉर्म है. ठीक है, इसको प्लीज़ एक बार आप लोग देख लीजिएगा जल्दी से. चलिए आगे बढ़ते. गुड मॉर्निंग प्रत्यूषा, यू आर लेट बाय 3 मिनट्स, 5 मिनट्स बेसिकली. Which state UT is the first to launch the tree transplantation policy? इनमें से वो पहला राज्य देश का या पहला केंद्र शासित प्रदेश देश का कौन सा है जिसने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को शुरू किया है? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ आपका दिल्ली. दिल्ली इज़ एब्सोल्युटली गाइस द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, वो कौन सा स्टेट है जहां पर रोज़गार बाज़ार को स्टार्ट किया गया है? आई अगेन रिपीट, रोज़गार बाज़ार कैंपेन जो है उसको स्टार्ट किया गया है. द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइज, वो कौन सा स्टेट है जहां पर आपका लॉन्च किया गया है द फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल? ये फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल इनमें से कहां लॉन्च किया गया है? आंसर है आपका उत्तर प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइज, वो कौन सा स्टेट है जहां पर एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेटरी आपकी बनाई जाएगी? ये स्नो लेपर्ड कंजर्वेटरी आपकी बनाई जाएगी इन उत्तराखंड. एंड क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, फगली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? फगली महोत्सव इनमें से कहाँ पर आपका सेलिब्रेट होता है? उसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश. आगे बढ़ते हैं. मिस्टर सोरोनबाय जीनबेकोव इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं आपके सूरनबे जीनबेकोव? ये देश अभी आजकल टर्मोइल में है. यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर्स ने और देश के लोगों ने सिविल वॉर की हालत कर दी है. And this country is very close to Russia right now. And the answer is it is option C, that is Kyrgyzstan. Kyrgyzstan इसका बिल्कुल सही जवाब है. मेरा पहला सवाल यहाँ पर बनेगा guys. Out of the following option, नूर सुल्तान is the capital of which country? इनमें से किसकी कैपिटल है आपकी नूर सुल्तान? And the answer is it is आपका कजाकिस्तान. Question number 2 guys, out of the following option guys, which country has been made an observer in the WTO? World Trade Organization में इनमें से किस कंट्री को अभी हाल ही में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है? उसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज तुर्कमेनिस्तान. क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, मिन्स्क इज़ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मिन्स्क इनमें से दोस्तों किसका कैपिटल है? ज़रा फटाफट बताएंगे मेरे को. मिन्स्क इज़ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? द आंसर इज़ इट इज़ किर्गिस्तान. किर्गिस्तान का आपका कैपिटल, सॉरी नॉट किर्गिस्तान, बेलारूस का कैपिटल है आपका, बेलारूस का कैपिटल है आपका मिन्स्क. ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन गाइज, मैं रिपीट फिर से करता हूँ, ब्यूनोस आयर्स इज़ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ब्यूनोस आयर्स जो है वो आपका कैपिटल है किसका? अर्जेंटीना का आपका दोस्तों जो है वो कैपिटल बनाया गया है. दैट इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गाइज. आगे बढ़ते हैं. What is the name of the first indigenous anti-radiation missile of the country? भारत का पहला खुद का डेवलप किया गया एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? ब्रह्मोस, रुद्रम, अग्नि, पृथ्वी, आकाश. एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ आपका रुद्रम. रुद्रम पहला मिसाइल है जिसको कि सुखोई 30 MKI से टेस्ट किया गया और ये पहला आपका इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर सामने आया है. दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. मेरा सेकेंड सवाल यहाँ पर आपसे बनेगा, कौन सा वो कंट्री है जिसने कि इसको दोस्तों आपका सेटअप किया, कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि इसको बनाया है? उसका आंसर है आपका दोस्तों इट इज़ DRDO. DRDO ने इसको दोस्तों जो है वो आपका बनाया है. क्वेश्चन नंबर 2 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइज, किसका अभी लैंड वेरिएंट हाल ही में टेस्ट किया गया था जो सर्फेस टू एयर वेरिएंट है? उसका आंसर है आपका ब्रह्मोस. ब्रह्मोस अभी हाल ही में आपका टेस्ट किया गया. दैट इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गाइज. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. Which state has become the first हर घर जल स्टेट? भारत का पहला ऐसा स्टेट जहां पर 24/7 रूरल कनेक्शंस में, टैप कनेक्शंस में आपकी वाटर आएगा, वो कौन सा स्टेट बना है? अरुणाचल, केरला, गोवा, यूके या फिर आपका दिल्ली। एंड द आंसर इज गोवा। गोवा आपका वहाँ पर वो स्टेट आपका बना है। क्वेश्चन नंबर 2 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज वो कौन सा आपका स्टेट यूटी है जहाँ पर दोपारिजो ब्रिज, आई कैन रिपीट, दोपारिजो ब्रिज आपका बनाया गया है। दोपारिजो ब्रिज आपका दोस्तों बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वो कौन सा स्टेट है जहां पर इंडिया का पहला लाइचन पार्क, लाइचन क्या होते हैं, लिचन क्या होते हैं, लिकन क्या होते हैं, ये बेसिकली पहाड़ों पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कहाँ पर बना है? उसका आंसर है आपका उत्तराखंड। दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गाइज, बिल्कुल सही जवाब है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर फेनी को GI टैग मिला है? फेनी जो कि एक सेमाई अल्कोहलिक ड्रिंक है, ये इनमें से किसको मिला है? उसका आंसर है आपका ऑप्शन B, दैट इज़ केरला। केरला इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए, नॉट फेरी बट इट इज़ फेनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ कोलैबोरेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज फॉर STEM करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल स्टूडेंट्स? इनमें से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्निक और टेक्नोलॉजी ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में महिला बच्चों के लिए, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ को देने के लिए? तो उसका आंसर जो है आपके सामने, दैट इज़ ऑप्शन C, दैट इज़ IBM। IBM ने ये काम आपका किया। हाँ, फेनी गोवा का है, हाँ गलती हो गई होगी, माफ़ करिएगा, फेनी गोवा का है, हाँ करेक्शन कर लीजिएगा, फेनी गोवा का है जी। इट इज़ नॉट फेरी, फेनी, फेनी गोवा का है जी, बिल्कुल सही। हाँ हाँ सर, फेनी गोवा का है, मान लिया मैंने, आप मैंने बोला था फेरी आपका केरला का है, फेनी जो है वो गोवा का है, यही बात था जी। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड स्पेस वीक हैज़ एंडेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? इनमें से किस डेट में आपका जो वर्ल्ड स्पेस वीक है वो आपका दोस्तों ख़त्म हुआ है? जरा फटाफट बताइएगा मेरे को, व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर डे व्हेन द वर्ल्ड स्पेस वीक हैज़ कंप्लीटेड? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन D, दैट इज़ 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को ख़त्म हुआ है आपका। देखिए, ये स्टार्ट हुआ आपका 4 अक्टूबर को और ये ख़त्म हुआ आपका 10 अक्टूबर को। अब मेरे को फटाफट बताइएगा 4 अक्टूबर को क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द रीज़न वाई कि 4 अक्टूबर को स्टार्ट होता है ये? द रीज़न वाई इज़ बिकॉज 1957 में द फर्स्ट सैटेलाइट कॉल्ड एज स्पुटनिक 1, इट वॉज सेंट इन द आउटर स्पेस, इस वजह से। और 10 अक्टूबर को आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हुई थी फॉर इंटर स्पेस मिशंस, उस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो स्पुटनिक 1 आपका 4 अक्टूबर को हुआ था और 10 अक्टूबर को आपका OST हुआ था। स्पुटनिक आपका किस पर्टिकुलर कंट्री के वैक्सीन का नाम है विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन? एंड द आंसर इज इट इज़ आपका रशिया। What is the theme guys of this particular week? क्या theme है आपका इस particular week का? What is the theme of this particular week? Well, the theme is satellite improves life. क्या theme है इसका? Satellite improves life. That is the theme. अगर देखो सैटरडे को वैसे भी काफ़ी कम लोग आए थे, तो जिनको नहीं पता है प्लीज़ लिख लो इसको, satellite improves life। आगे बढ़ते हैं। Who has been given the additional charge of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution? निम्न में से किसे Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution का एडिशनल चार्ज दिया गया है? गडकरी साहब, राजनाथ सिंह साहब, प्रकाश जावड़ेकर साहब, धर्मेंद्र प्रधान साहब या फिर नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है आपका ऑप्शन E, दैट इज़ नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। किसको दिया गया है? पीयूष गोयल साहब को ये खिताब, ये जो मिनिस्ट्री है वो दी गई है। ही ऑलरेडी हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ही ऑल्सो हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। गडकरी साहब के पास क्या है? गडकरी साहब के पास दोस्तों है आपका रोड ट्रांसपोर्ट एंड MSME। राजनाथ सिंह साहब के पास क्या है? ये मेरे लखनऊ से, ही इज़ द लोकसभा MP, ही इज़ कड़ी निंदा करने वाले लोकसभा MP। द आंसर इज डिफेंस मिनिस्ट्री। प्रकाश जावड़ेकर साहब के पास क्या है? इनके पास भर के है, बाल्टी भर के क्या क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारी मिनिस्ट्रीज़ इनके पास हैं। और बाकी धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करें तो ये हमारे ऑयल एंड पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, इनका नाम है आपका श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। कतरा क्लियर हो गया? एक बार ज़रा फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल देना यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ताकि मैं समझ पाऊँ आपको क्लियर हो गया है। हाँ, फूड प्रोसेसिंग भी शायद दी गई है इनको, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर, जो कि ये रहा आपके सामने। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वन द नोबेल पीस प्राइज 2020। इनमें से वो कौन सा संगठन है जिसको मिला है नोबेल का पीस प्राइज? FAO, UN, WFP, UNCTAD और ADB। And the answer is it is option C, that is WFP। FAO कहाँ से हो गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दोस्तों ये सम्मान आपको मिला है, ये याद रखिएगा। WFP को ये सम्मान आपका मिला है इस साल का द नोबेल पीस प्राइज। What is the contraction in the GDP as per the RBI? RBI के हिसाब से GDP में कितना गिरावट आएगा आपका RBI के हिसाब से आने वाले आपके सालों में? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज -9.5%। -9.5% पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जीडीपी का होने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आरबीआई आपका कह रहा है। जस्टिस के उषा वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट फ्रॉम बार। इनमें से किस राज्य की आपकी पहली महिला चीफ जस्टिस जो सीधे लॉयर से आपकी जज बनी थी इन विच कोर्ट? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज केरला। केरला कोर्ट में इन्होंने काम ये किया था। क्वेश्चन 1 मेरा यहाँ पर आपसे है गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइज, PM स्वनिधि में मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर आपका दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया है आपका दोस्तों MP के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में इनमें से नंबर 1 स्टेट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस? इसमें नंबर 1 स्टेट आपका दोस्तों जो है दैट इज गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइज, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इनमें से किस स्टेट में है? इसका आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। एंड क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, द शिवालिक फॉरेस्ट एरिया विल बी कन्वर्टेड इनटू अ नेशनल पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इनमें से किस स्टेट में आपके शिवालिक जो आपका एक रिजर्व है उसको कन्वर्ट किया जाएगा? उसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हेन इज द वर्ल्ड फिलैटेली डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड फिलैटली डे आपका दोस्तों ऑब्जर्व कब किया जाता है? जल्दी बताइएगा। 11th, 12th, 13th, 14th या फिर आपका 15 अक्टूबर, किस दिन आपका ऑब्जर्व किया जाता है द वर्ल्ड फिलैटली डे? इसका आंसर है आपका 13 अक्टूबर। अब जल्दी से मेरे को बताते रहिएगा, जल्दी से। वर्ल्ड पोस्ट डे कब होता है? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, नेशनल बैंकिंग डे कब होता है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, when is the postal life insurance day? And question number 4, when is the national mails day observed? ये सारे सवाल मैंने कराए थे। देखो सैटरडे को जो लोग एब्सेंट थे उनको तो आ नहीं रहा होगा क्योंकि उनको तो एग्जाम था, समझ में आता है। वर्ल्ड पोस्ट डे जो है आपका ये होता है 9 अक्टूबर को। बैंकिंग डे आपका होता है 10 अक्टूबर को। PLI डे होता है आपका दोस्तों 12 अक्टूबर को। और मेल्स डे आपका होता है 15 अक्टूबर को। सो पोस्ट डे 9 अक्टूबर, बैंकिंग डे 10 अक्टूबर, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डे 12 अक्टूबर और मेल्स डे आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। समझ में आ गया? एक बार ज़रा प्लीज़ गिव मी अ लव साइन गाइस, दिल दे दो। दिल देना बड़ा अच्छी बात है। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल सही गाइस। फटाफट गाइस आज हमें 500 क्रॉस करना है। फटाफट दबा के वीडियो शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दबा के वीडियो शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये आपका वीडियो जो है वो पहुँच जाए। अच्छी बात है, ठीक है? हाँ क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या बात है। वेल डन गाइस, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इनमें से किस राज्य में आपकी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो है उसको स्टार्ट किया गया? UP, MP, HP, UK या फिर आपका केरला? कहाँ पर स्टार्ट किया गया है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना? इसका आंसर जो आपके सामने है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज उत्तराखंड में इस योजना को आपका स्टार्ट किया गया है। मिंत्राज फर्स्ट डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? mintra.com जो कि एक ऑनलाइन e-कॉमर्स वेबसाइट है, इसके पहले डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है? भुवम्बाम, आशीष चंचलानी, दिशा पाटनी, रणवीर अलाहाबादिया या फिर अनवदीस? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज इट इज़ BB, मतलब भुवम्बाम को ये आपका उनको एम्बेसडर इसका बनाया गया है। सो गाइज 15 सवाल हमने कर लिए हैं। अगर 15 और 15 आपका स्कोर है तो आप हो गाइज चैम्पियन ऑफ चैम्पियन। अगर आपका स्कोर 13 या 14 है तो दोस्त आप आजकल आप चल रहे हो तेवटिया, ठीक है? अगर आपका स्कोर गाइज 8 से 12 के बीच है तो अभी आपको एवरेज पांडे, ठीक है? और अगर आपका स्कोर गाइज 5 से है तो आप हो गाइज वाई पांडे, ठीक है? अब आपके ऊपर आपको क्या बनना है, आपको वाइसो पांडे बनना है, एवरेज पांडे बनना है या तेवटिया बनना है? आपके ऊपर है आपको यहाँ पर दोस्तों क्या बनना है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। एंड गाइज अब जरा स्टार्ट कर लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट गाइज विथ आर डिस्कशन। ऑलराइट, सब 15 से कम तो डिस्कस नहीं करना था सर ने, भैया 15 ही डिस्कस किया था मैंने। यस, ओके ओके, वेल डन गाइज। चलिए लेट्स नाउ प्रोसीड टू द 11 अक्टूबर द हिंदू करंट अफेयर्स। एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, मैं फिर से चाहूँगा गिव मी ए थम्स अप बिकॉज हम फिर से फोकस कर रहे हैं हमारे द हिंदू पे। एंड ये रहा हमारा पहला हेडलाइन, वेटरन फिल्म मेकर बी विजया रेड्डी हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज बेटर नोन एज विजया इन द कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। कन्नड़ मूवीज़ के एक कॉमेडियन एक्टर, उनका नाम है विजया। ही हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज 84 ईयर्स ऑफ एज। एंड एक बहुत ही फेमस एक्टर थे कन्नड़ा मूवीज़ के, जो लोग कन्नड़ा मूवीज़ देखते हैं, जो कन्नड़ा भाषा बोलते हैं, राजकुमार। He played a lot of roles with Dr. Rajkumar in Kannada movies, and he has basically guys passed away. इनका नाम है आपका विजया रेड्डी जी। आगे बढ़ते हैं। Poet Ezachery Ramachandran has been awarded the YLR Ramavarma Memorial Literary Award. He has won this award for his poem Oru Virginian Vayekkalam, and he has been given an award of ₹1 लाख। ₹1 लाख की अवार्ड वाला आपका जो वयलार रामावर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड है, दैट अवार्ड को दिया गया है टू पोएट एजाचेरी रामचंद्रन। ठीक है, इनको इस अवार्ड के में ₹1 लाख दिए गए हैं। इनकी पोएम है ओरू वर्जिनियन वेयकलम, इनके लिए इन्हें यह अवार्ड आपका दिया गया। तो गाइज पहला एक ऑबिचुरी हो गया, दूसरा आपका हो गया अ लिटरेरी अवार्ड एंड अवार्ड एंड ऑनर्स का क्वेश्चन। सिंपल है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दिस अवार्ड गाइज वो स्टार्टेड इन 1977 और तब से लेकर लगातार ये आपका अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। यानी अवार्ड दिया गया है टू मिस्टर एजाचेरी रामचंद्र। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी एंड द US नेवी विल होल्ड इट्स सेकेंड पैसेज एक्सरसाइज और पासेक्स। दिस टाइम इट विल बी हेल्ड इन कोची। पहली बार इस साल हुआ था आपका अंडमान निकोबार सी में, अंडमान सी में हुआ था। नाउ फॉर द सेकेंड टाइम it will be held in the Indian Ocean. It will be held on the waters of Kochi. इस बार US की तरफ से जो नेवल शिप आएगा उसका नाम है US शिप रोनाल्ड रीगन। इसके अलावा इस साल नवंबर में, मतलब जो नवंबर आने वाला है, इंडिया, जापान, द US will also hold the trilateral मलाबार नेवल एक्सरसाइज। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले इंडिया एंड US नेवी सेकेंड पैसेज एक्सरसाइज और पासेक्स will be held this year. ये होगा आपका कोची में, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए US की तरफ से आपका आ रहा है USS रोनाल्ड रीगन। वो US की तरफ से दोस्तों यहाँ पर आपका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, इंडिया और जापान और US के बीच जो एक नेवल एक्सरसाइज है मलाबार, वो भी आपका दोस्तों नवंबर में होने वाला है। उस वजह से भी ये हेडलाइन आपकी इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया सबको, कतरा कतरा क्लियर हो गया, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। द फ्रेंच ओपन में 2 इम्पोर्टेंट टाइटल्स हैं, women's singles and men's singles. The women's singles has been won for the very first time by Iga Świątek. Iga Świątek, who has become the first Polish women's player to win the Grand Slam titles, has defeated Sofia Kenin to win her first and Poland's first title, that is the French Open. She is the youngest winner since 16-year-old Monica Seles won it in 1992 और इस बार जीता है इसको ईगा श्वेतक ने। And it is the first time any Polish player has won, any player from Poland has won the French Open. Świątek is the 9th first-time women's champion in the last 14 majors. पिछले 14 Grand Slams में 9 बार ऐसा हुआ है कि पहली बार किसी ने Grand Slam को जीता है। मतलब सेरेना विलियम्स का जो एक indefatigable जो एक डोमिनेंस था टेनिस पे, वो ख़त्म हुआ है। एंड नाउ इन द प्रीवियस 14 ग्रैंड स्लैम्स आपके 9 बार ऐसा हुआ है दैट इट हैज़ बीन वन बाय फर्स्ट टाइम विनर्स। सो दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ मेड द गेम ऑफ स्पेशली विमेंस लॉन टेनिस मच मोर कॉम्पिटिटिव। ऑलराइट, इनका नाम है आपका ईगा श्वेतक। स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इनकी फ़ोटो दोस्तों दी हुई है। एंड फ्रॉम माई साइड एज वेल, कंग्रेचुलेशंस। पहली बार जीतना अपने आप में खास होता है। कंग्रेचुलेशंस ईगा फॉर विनिंग दिस पर्टिकुलर ट्रॉफी एंड मेकिंग पोलैंड प्राउड ऑफ दिस पर्टिकुलर विन। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों 12 अक्टूबर के द हिंदू एनालिसिस में, और ये रहा आपके सामने हमारा पहला हेडलाइन। कर्नाटका के 2 ऐसे आपके बीचेस हैं जिनको ऐड किया गया है इन द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया। द नेम ऑफ द बीचेस गाइज आर Kasarkod near Honavar in Uttara Kannada and Pudubidri beach near Udupi. ये दो बीचेस हैं, वैसे तो ओवरऑल आपके 8 बीचेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे आगे चलकर, बट स्पेशली विल डिस्कस कर्नाटका's 2 बीचेस Kasarkod and Pudubidri have been added to the blue flag certification. Overall India से 8 बीचेस गए हैं. This award has been given by the Foundation for Environment Education Denmark ने. Basically blue flag होता क्या है? Blue flag basically is a certification that signifies clean, hygienic beaches with facilities, with safe and healthy environment as well as sustainable development of the area. मतलब ये उस बीचेस को दिया जाता है जो क्लीन होते हैं, हाइजीनिक होते हैं, जहाँ पर तमाम तरह की आपकी फैसिलिटीज़ होती है, जो सेफ़ होते हैं, हेल्दी होते हैं, और जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर भी काम किया जाता है. सो इट बेसिकली इट्स अ स्टैंडर्ड. फॉर एग्जांपल इट्स लाइक ISO सर्टिफिकेशन, मतलब क्वालिटी में नंबर 1. सो दिस इज़ बेसिकली आपके विनर्स. मैं डिस्कस करूँगा बाकी 6 कौन से हैं, बिकॉज वो आगे का हेडलाइन है. बट आउट ऑफ द 8, 2 आर फ्रॉम कर्नाटका. द नेम इज Kasarkod and Pudubidri. याद रहेगा सबको, क्या बात है. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इमेज रहता है. कोविड-19 में गाइस ये काफ़ी बड़ा एंटाइजिंग सा ये इमेज है हमारे सामने. अच्छा एक चीज़ और, ये थोड़ा आउट ऑफ पिक्चर है, बट गाइज प्लीज़ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, these months would be going to be very critical for COVID-19. Please stay at home as much as possible. कोशिश करें घर से कम निकलें, because guys अब तो जानने वालों में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं. So I would request everyone that please 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 stay at home. अगर आपका ऑप्शन नहीं है तो घर से बाहर जाओ, अगर ऑप्शन है प्लीज़ stay at home. ठीक है, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. अब क्योंकि हम कर्नाटका की बात कर रहे थे, आइए कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं. ये रहा आपके सामने. Karnataka's capital guys is Bengaluru. CM is Shriman Shri 1008 B.H. Yedirurappa. Governor is Shriman 1008 Vajubhai Vala. It was formed on 1st November 1956. Rivers आपकी यहाँ पर हैं Krishna और Kaveri. Festivals यहाँ पर हैं आपके Yogadi, Karaga और Kambala. Art forms यहाँ पर हैं आपका Yakshgan, Simha Nritya और Harikate. GI टैग यहाँ पर है Mysore सिल्क, कस्तूरती एम्ब्रॉयडरी. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं और हम्पी में और पटरकल में. नेशनल पार्क जहाँ बात करें तो बंडीपुर, बनरघट्टा, अंशी और कुद्रेमुख है. आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, ये आपको चाहें तो आप याद रख सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा. यस, बिल्कुल सही. एक और अपडेट है गाइस कि एक्सेसिव सैनिटाइज़र का और साबुन का यूज़ कम करें. हाथ धोएं साबुन से प्रेफरेबली, पर सैनिटाइजर्स का रोल कम प्ले करें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ICMR इट विल बेसिकली क्रिएटिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शंस. तो आप ज़्यादा यूज़ करें आप अपने साबुन का, सोप का, नॉट दैट ऑफ सैनिटाइजर. सैनिटाइजर्स इज़ अ क्विक फिक्स, है ना, तो सोप का ज़्यादा यूज़ करें ना कि सैनिटाइजर्स का. आगे बढ़ते. अब बात करते हैं गाइज फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स का. Rafael Nadal has won the men's singles tournament and he has defeated world number 1 Novak Djokovic 6-0, 6-2, 7-5 in the French Open finals. Now he has 20 Grand Slams and he out of 20 he has won 13 French Open. So इनका आप खुद देखो dominance क्या है French Open में कि 20 titles में से 13 titles उन्होंने French Open के जीते हैं. Right now he is world number 2 and now he is tied with स्विस रॉजर फेडरर फॉर द मोस्ट मेन सिंगल्स मेजर्स. उनके नाम भी आपके 20 टाइटल्स हैं. गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा वॉट एवर हैपन्स, जोकोविक विन्स मोर ग्रैंड स्लैम्स और नडाल विन्स मोर ग्रैंड स्लैम्स. फॉर मी उनसे बड़ा, मेरे हिसाब से उनसे बड़ा कोई प्लेयर मेरे हिसाब से टेनिस का दोस्तों जो है वो कोई नहीं है. मैंने ही इज समथिंग दैट इज़ एग्जेम्पलरी. सो यस, आगे बढ़ते हैं. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द वे ही बेसिकली अनाउंस्ड हिज विन गाइस राफेल नडाल. एक बहुत ही सही मोमेंट था उनके लिए. ठीक है, एंड ही हैज़ नाउ वन गाइस 20 ग्रैंड स्लैम्स. ठीक है, इनका नाम है दोस्तों आपका राफेल नडाल. राइट, मतलब ये पंजाबी हो गए, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले. राइट, लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस. आफ्टर ग्रेट इन टेनिस लेट्स डिस्कस अ ग्रेट इन फॉर्मूला 1. Lewis Hamilton guys has won the Formula 1 Grand Prix. The Grand Prix guys is known as Nürburgring. That is the name of the Grand Prix guys, and this is his 91st win, and he is now at par with his idol Michael Schumacher, who also has 91 wins, guys. So दोनों ही के पास 91 wins हैं. Michael Schumacher, he met an accident a couple of years back, and since that he is not in public view. And ये idol थे Lewis Hamilton के, और दोनों के नाम अब बराबर आपके विंस हो गए हैं, दैट इज़ 91. इनफैक्ट अगर हम बात करें पोल पोजीशंस में, तो लुइस हैमिल्टन हैज़ मोर पोल पोजीशंस दैन माइकल शुमाकर इन टर्म्स ऑफ पॉइंट फिनिशेस एज वेल. ही हैज़ नाउ मोर पॉइंट्स. तो ये स्क्रीन पे आप दोस्तों देख सकते हैं. एंड ही वॉज गिवन द हेलमेट ऑफ शुमाकर बाय हिज सन माइक शुमाकर ऑन दिस स्पेशल डे. Kimi Raikkonen also has done something wonderful. He has now appeared in 323 Formula 1 Grand Prix, and by this appearance he is the most experienced driver in the Formula 1 history, overtaking Rubens Barrichello from Ferrari. तो ये भी एक अपडेट यहाँ पर आप ले लीजिएगा. पहला कि now Lewis Hamilton has the most wins. He has tied up with Michael Schumacher with 91 wins. First, second. Kimi Raikkonen has now participated in 323 Formula 1 Grand Prix, and उन्होंने रूबेंस बारिकेलो जो फरारी के ड्राइवर थे शुमाकर के टाइम, उनका रिकॉर्ड को उन्होंने दोस्तों जो है वो तोड़ा है. याद रहेगा सबको. इसका पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे. उस ग्रुप का नाम है जीके ट्यूटोरियल बाय कुश यशी. वहाँ पर जाके आपको इसका पीडीएफ जो है वो आपका दोस्तों प्रोवाइड हो जाएगा. तो वो ग्रुप प्लीज़ आप लोग अवेल कर लीजिएगा. गाइस, सेशन कैसा लग रहा है? आप सबको मज़ा आ रहा है? क्या मेरी वॉइस आपको ऑडिबल है? इज़ माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज़ गिव मी एन आंसर गाइस, फटाफट, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरी वॉइस जो है वो आप सबको दोस्तों जो है वो ऑडिबल है. फटाफट कमेंट कीजिएगा जल्दी से, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है. क्या बात है. बाकी गाइज़, ये है वो लिंक, ठीक है. इस लिंक को प्लीज़ आप लोग अवेल कर लीजिएगा. दिस इज़ द लिंक गाइज़, ठीक है. इस लिंक को आप लोग अवेल कर लीजिएगा फॉर द डिस्कशन. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के पीआईबी एनालिसिस के बारे में. ऑलराइट, और ये रहा पहला हेडलाइन. 100th anniversary ऑफ राजमाता श्रीमती विजय राजे सिंधिया वॉज ऑब्जर्व. ऑन दिस पर्टिकुलर डे द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इनॉग्रेटेड अ कमोमरेटिव 100 रुपी कॉइन इन हर मेमोरी. 100th बर्थ एनिवर्सरी आपकी हो गई है श्री विजय राजे सिंधिया जी की, जो कि राजमाता कही जाती हैं ग्वालियर की. और इनकी याद में गाइस आपकी मोदी जी ने एक 100 रुपी का एक कॉइन एक उन्होंने इनॉग्रेट किया. ही बेसिकली लॉन्च्ड 100 रुपी कॉइन इन द मेमोरी ऑफ श्रीमती विजय राजे सिंधिया. अगर हम इनकी बात करें गाइस, तो इनका ओरिजिनल नाम है लेखा देवेश्वरी देवी. शी वॉज जनसंघ एंड द को फाउंडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द लास्ट महारानी ऑफ ग्वालियर. ये नाम भी आप यहाँ पर याद रखेगा. एंड शी वॉज वन ऑफ द वेटरन पॉलिटिशियंस गाइज. इनके संबंध इनके बच्चों से काफ़ी ख़राब हो गए थे इनके डेथ के समय, बट शी रिमेन्स वन ऑफ द डॉयंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. इनका नाम है दोस्तों आपका मिस श्रीमती विजय राजे सिंधिया और श्रीमती लेखा देवेश्वरी देवी. नाम याद रहेगा सबको, क्या बात है. शी वॉज द लास्ट महारानी ऑफ बॉलीवुड. ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का आपका नाम है. आगे बढ़ते हैं. शी वॉज द वाइफ ऑफ द लास्ट वन ऑफ द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ ग्वालियर जीवाजी राव सिंधिया. बिल्कुल सही. आगे बढ़ते हैं. ऑल 8 रिकमेंडेड बीचेस हैव बीन गिवन द ब्लू फ्लैग स्टेटस. उन्हें दोस्तों दिया गया है आपका दी ब्लू फ्लैग स्टेटस. ऐसी जानकारी दी है प्रकाश जावड़ेकर साहब ने. उन्होंने कहा है प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया. All 8 beaches recommended by the government to get coveted international blue flag certification. इनके नाम हैं शिवराजपुर इन गुजरात, घोगला इन दीव, कसरकोड एंड पदुबिद्री इन कर्नाटका, कप्पाड़ इन केरला, ऋषिकोंडा इन आंध्र प्रदेश, गोल्डन इन पूरी उड़ीसा और राधानगर इन अंडमान आइलैंड्स. इनको दोस्तों दिया गया है आपका ब्लू फ्लैग. गाइज, ऑलरेडी गोवा कई सारे हैं, सार्वजना, ठीक है. इंडिया को ऑल्सो दिया गया है द 3rd प्राइज़ अंडर द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पोल्यूशन एंड कंट्रोल इन कस्टडी. तो अच्छी खबर है कि पोल्यूशन कंट्रोल रीजन्स में इंडिया को दोस्तों मिला है 3rd प्राइज़. ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है. नहीं, कसारकोड और बीच का नाम है हिपस्टर लेजेंड. कसारकोड होगा डिस्ट्रिक्ट आपका केरला में, पर कसारकोड आपका बीच का नाम है. कैसे याद करेंगे मोनिका? रेगुलर हो जाओ. रेगुलर हो जाओगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है. आपको अलग से कुछ नहीं करना है. ऑलराइट, यस, लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज. इसका हिंदी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. इसका हिंदी भी दिया हुआ है आपके सामने, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने आपकी डे बिफोर येस्टरडे गाइज दे हैव गिवन प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम आपकी बेसिकली फोकस करती है ऑन प्रोवाइडिंग लैंड रिकॉर्ड्स, प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स टू द विलेजर्स। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसको प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म है, ये जनरली आपको मिलेगा नहीं। तो इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम द स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन द नेशनल पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को होता है। इसका मेन एम है टू प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड होल्डर्स, मतलब अगर आपका गांव में घर है तो उसका एक आपको प्रॉपर ऑफिशियल रिकॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन आपका हुआ है 4 साल के लिए, मतलब आने वाले 4 साल में ऐसा इंश्योर किया जाएगा दैट एवरी वन गेट्स अ लैंड रिकॉर्ड। द एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट एंड द सर्वे ऑफ इंडिया। ये 3 डिपार्टमेंट्स मिलकर, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट मिलकर आपका स्वामित्व स्कीम को ऑर्गेनाइज करती हैं। ओवरऑल 6.62 लाख विलेजेस को कवर किया जाएगा इन 6 स्टेट। उन 6 स्टेट्स के नाम हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटका। इन 6 स्टेट्स में आपका ये स्कीम लागू की गई है। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, इसका कितने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं और कौन कितने साल तक रहेगा और कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये भी याद कर लीजिएगा। समझ में आ गया सबको क्या बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हिंदी भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 6 राज्यों में लगभग 6.62 लाख गाँव में आपकी ये स्कीम लागू होगी और इनमें उन्हें अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा, ठीक है भाई। चल आगे बढ़ें। अब आते हैं दोस्तों हमारी ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ पर और डीडी न्यूज़ पर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर मैं आपको ऑल इंडिया रेडियो करा रहा हूं, डीडी न्यूज़ करा रहा हूं, इसका मतलब है कि आज सुबह 7 बजे तक, मतलब सैटरडे इवनिंग से लेकर सैटरडे मॉर्निंग से लेकर संडे एंड मंडे, उस वो सारी खबर आपकी यहाँ पर कराई जाएंगी। तो ये बात समझिएगा आप, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। चैतन्या वेंकटेश्वरन हैज़ बिकम अ ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर अ डे। 16-year-old Chaitanya Venkateswaran was made the UK's senior most diplomat in India under the mission initiative aimed at empowering and highlighting the challenges faced by women across the world. वह मिशन के तहत भारत में यूके की सबसे बड़ी राजनयिक बनी है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को सशक्त बनाना और उन्हें उजागर करना है। उसके तौर पर फॉर अ सिंगल डे शी वॉज मेड द यूके's British High Commissioner in India. All right, Chaitanya is the 4th young woman to take over as the High Commissioner. The British High Commission basically organizes this particular event every day in since 2017. 2017 से लगातार हर साल दोस्तों ये event जो है वो आपका organize करती हैं। She organizes this particular event. The UK High Commission organizes this particular event every year since 2017. तो इस बार बनी है आपकी Miss Chaitanya Venkateswaran. याद रहेगा आपको, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। 11 अक्टूबर को दोस्तों मनाया गया आपका द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। मैं रिपीट फिर से कर दूं, 11 अक्टूबर को मनाया गया आपका द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जिसका इस साल थीम है आपका माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। और इसका हाईलाइट ये है कि इट मार्क्स 25 years ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ बीजिंग विच इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन फॉर वर्किंग टूवर्ड्स एम्पावरिंग गर्ल्स एंड देयर राइट्स ग्लोबली। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज गाइज ये आपका वो दिन है जब 25 वर्ष पूरे हुए हैं आपके बीजिंग की घोषणा को, जहां पर महिलाओं को वैश्विक स्तर पर उनके अधिकारों के साथ उन्हें रिकॉग्नाइज करना और उन्हें एम्पावर करना, इसके लिए ये दिवस आपका दोस्तों जो है वो आपका मनाया गया है। कब मनाया गया है आपका? 11 अक्टूबर को, ठीक है। याद रहेगा सबको, क्या बात है। मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य, ये इसका दोस्तों जो है वो आपका फीचर यहाँ पर आपका दोस्तों जो है वो दिया गया है। याद रहेगा सबको, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी शिप्स INS सहयाद्री एंड INS कोरा हैव बीन एडजस्ट द बेस्ट शिप्स इन दी FAF 2020 अवार्ड्स। FAF का फुल फॉर्म है फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020। दिस अवार्ड हैज़ बीन डन टू मार्क द सक्सेसफुल कल्मिनेशन of the operational cycle of the Eastern Fleet of the Indian Navy of Visakhapatnam। इस particular cycle की completion पे से दिया गया है। बेस्ट शिप अवार्ड किया गया है कैपिटल शिप्स में आपका INS सह्याद्री का और कॉर्बेट्स में जो कि होती हैं स्मॉल शिप्स में आपका आईएनएस कोरा का, और एरावत को और किल्टन को अवार्ड किया गया है द बेस्ट स्पिरिटेड शिप। तो यहाँ पे याद रखिएगा एट द फ्लीट अवार्ड फंक्शन इन विशाखापत्तनम 3 शिप्स आपने अवॉर्डेड द बेस्ट शिप्स। उनमें है आपका आईएनएस सह्याद्री फॉर कैपिटल शिप्स बड़ी शिप्स में, आईएनएस कोरा फॉर स्मॉल शिप्स, और आईएनएस नेवल शिप अरावत को किल्टन को फॉर बेस्ट स्पिरिटरशिप। ये अवार्ड यहाँ पर दिए गए। ओवरऑल 16 अवार्ड दिए गए, पर 16 अवार्ड्स में से आपके 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जिनके नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। याद रहेगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ निहाल सारिन हैज़ बिकम द जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैम्पियन आफ्टर बीटिंग रशियाज़ वर्ल्ड जूनियर 6 चैम्पियन एलेक्सी सराना को हराकर इस साल आपके जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियन बने हैं निहाल सारिन। इसके पहले जो इस चैंपियनशिप के विनर्स हैं उनमें मैग्नस कार्लसन हैं जो करंट वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड नंबर 1 है, और हिकानो कामुरा हैं जो आपके लगातार पिछले 2 साल से इसमें चैंपियन थे, और इस साल इसके चैंपियन बने हैं आपके निहाल सारिन। ही हैज़ वन दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप इन 2020। इनका नाम दोस्तों है आपका निहाल सारिन। ही हैज़ वन दी जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैम्पियनशिप। इनका नाम है आपका निहाल सारिन। याद रहेगा सबको, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों कुछ सर की न्यूज़ वाइन्स पे। आई होप आप लोग रेडी हैं इन न्यूज़ वाइन्स के लिए। तो ये रहा आपके सामने हमारा पहला हेडलाइन। भारत माला परियोजना की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू एन अपडेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, अ टोटल ऑफ 322 प्रोजेक्ट्स एट अ लेंथ ऑफ 12,413 किलोमीटर्स हैव बीन अवॉर्डेड, एंड ओवरऑल 2021 किलोमीटर्स आपके जो हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। सो इतने अवार्ड दिए गए हैं और इतने आपका कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है अंडर दी भारत माला परियोजना। अगर इस परियोजना की दोस्तों बात करें तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दिस परियोजना बेसिकली इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर द हाईवे सेक्टर दैट फोकसेज ऑन ऑप्टिमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फ्रेट एंड पैसेंजर मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। भारत माला परियोजना एक कार्यक्रम है जो देश भर में माल ढुलाई और यात्री आंदोलन की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। बेसिकली इट इज़ डन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर्स, फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर, बॉर्डर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल पोस्ट कनेक्टिविटी रोड्स, और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तो जितने भी आपके हाईवेज बनने हैं या जितने भी आपके स्पेशल रोड्स बनने हैं, सबका जो एक योजना है विच विल बेसिकली हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग एल्स, वो आपका बनेगा भारत माला परियोजना में। ये योजना आपकी शुरू हुई थी 31 जुलाई 2015 में। इसको दोस्तों आपका स्टार्ट किया गया था और तब से लेकर लगातार योजना आपकी चल रही है। अम्ब्रेला प्रोग्राम बेसिकली मीन्स दैट एवरीथिंग विल बी अंडर इट। मतलब जो भी इंडिया में हाईवेज हैं, जो भी इंडिया में कंस्ट्रक्शन है रोड्स का, हाईवेज का, वो सारा किसके अंडर होगा? आपका भारत माला परियोजना के अंडर होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार हैज़ बीन मेड। दिस कार हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे। दिस कार हैज़ अ 10 किलोवोल्ट ऑटोमोटिव ग्रेड LTE फ्यूल सेल जिससे कि आपका चलता है, और बेसिकली इट यूजेस केमिकल रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड इट इज़ एलिमिनेटेड द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो भारत का जो पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार है उसको लॉन्च किया गया है। दिस कार गाइज हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे। ये कार में 10 किलोवोल्ट का आपका ऑटोमोटिव ग्रेड का एक फ्यूल सेल है, और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच आपका रिएक्शन होता है जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया नहीं जाता है। तो ये आपका जो है, ये आपका हाल ही में आपका लॉन्च किया गया है बाय CSIR पुणे। ऑलराइट, ये स्क्रीन पे आपके सामने इसकी इमेज भी आपके सामने दी हुई है, इस इमेज के जरिए आप देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के अदर हेडलाइंस पर। इनमें पहली हेडलाइन हमारे दोस्तों जो है दैट इज़ वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। ये दिवस आपका पिछले वीकेंड में ऑब्जर्व किया गया। द वर्ल्ड डे डेथ अगेंस्ट पेनल्टी जो है ये आपका दिवस आपका मनाया जाता है। दिस डे गाइस इज ऑब्जर्व 18th आपका ये दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। बेसिकली अगर हम बात करें डेथ पेनल्टी का तो 106 कंट्रीज़ हैं दुनिया में। एक सेकेंड, देर आर 106 कंट्रीज़ का इन द वर्ल्ड जहाँ पर कि आपका डेथ पेनल्टी होता है। देर आर 8 कंट्रीज़ उन्होंने एबॉलिश किया है डेथ पेनल्टी को फॉर ऑर्डनरी क्राइम्स। 28 कंट्रीज़ ने एबॉलिश को प्रैक्टिस में लाया है। 56 कंट्रीज़ आप रिटेंशन मतलब रिटेंशन रखती हैं, और 2019 में आपकी सबसे ज़्यादा जो एग्जीक्यूशन हुए हैं आपके थ्रू डेथ पेनल्टी उनके नाम है चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक एंड मतलब मैक्सिमम डेथ पेनल्टी दी गई है चाइना में, फिर आपका ईरान में, फिर आपका दोस्तों सऊदी अरेबिया में, फिर इराक में, और फिर आपका दोस्तों इजिप्ट में। तो ये देश के नाम भी आप यहाँ पर दोस्तों जो हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका डे का नाम क्या है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। ये इस दिवस का नाम है जो कि दोस्तों आपका हर साल 10 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है। याद रहेगा सबको, क्या बात है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर। अगला हेडलाइन दोस्तों जो है आपका दैट इज द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये दिवस आपका दोस्तों जो है ये मनाया गया अभी हाल ही में, और इस दिवस का थीम है आपका वर्ल्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ये इसका थीम है एंड बेसिकली ये है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वर्ल्ड ताकि उनकी माइग्रेशन पे फोकस किया जाए। इसी वजह से इस दिवस को दोस्तों जो है वो आपका मनाया जाता है। ये इस दिवस का नाम है आपका द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? एक सेकेंड यार, आवाज़ तो आनी चाहिए। अब आवाज़ तो आनी चाहिए आपको। आ रही ना? ओके, हाँ, यस। ये दिन भी आपका मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है 16-year-old आदाआवा मुर्तो हैज़ बिकम द पीएम ऑफ फिनलैंड फॉर अ डे। एक दिन के लिए आपके पीएम बने हैं 16 साल के आवा मुर्तो। इनका नाम है गाइज आवा मुर्तो। गाइज ही हैज़ बीन मेड द पीएम ऑफ फिनलैंड फॉर अ सिंगल डे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये रात के आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। इनकी देखिए फ़ोटो स्क्रीन पे देख लीजिएगा पहले तो। यस, ये है इनका नाम। हर नेम इज़ आवा मुर्तो गाइज। एंड बेसिकली जेंडर गैप को एंड करने के लिए इनको बनाया गया है। और इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं सना मारे, उनकी जगह इन्होंने यहाँ पर एक डे के लिए दोस्तों ये बनी है। बेसिकली ये इनका एक सिंबॉलिक इवेंट है जिस दिन इनको एक दिन के लिए पीएम जो है वो दोस्तों आपका बनाया गया है। ठीक है इस यस। फिनलैंड की बात करें तो ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड हैप्पीनेस में आपकी ये टॉप पोजीशन पे है, ह्यूमन डेवलपमेंट में आपकी 12th पोजीशन पे, डेमोक्रेसी 5th पोजीशन पे है। तो इनको एक दिन के लिए यहाँ का पीएम आपका दोस्तों जो है, इनको एक दिन के लिए दोस्तों जो है वो यहाँ का पीएम आपको बनाया गया। इनका नाम है दोस्तों आपका आवा मुर्तो। और आखिरी में गाइस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बात करेंगे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आपका मनाया गया दोस्तों अभी हाल ही में, और ये डे आपका मनाया गया ऑन अक्टूबर 10। और इस दिन मेंटल हेल्थ के ऊपर दोस्तों बात की गई। इस बार जो इसका फोकस था, द फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर डे गाइस वॉर मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, वो इसका इस साल आपका फोकस था। और ये आपका 10 अक्टूबर को आपका जो मेंटल हेल्थ डे है ये आपका दोस्तों बनाया गया। दैट इज़ द रीज़न वाई। ठीक है, और ये इनिशिएटिव लिया गया है आपका वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ द्वारा। पहली बार ये दिवस आपका मनाया गया था 1992 में ऑन 10 अक्टूबर, और तब से लेकर लगातार आपका ये डे जो है ये आपका मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा आप सबको, क्या बात है गाइस। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बाकी चैम्पियन इस बार की जो है फिर से आपकी हैं, इस बार है मिली अग्निहोत्री। नाम भैया इनका बार आता है। द चैम्पियन अगेन गाइस मिली अग्निहोत्री। बाकी विनर्स फिर से सेम है आपके, पर साथ फिर चैम्पियन है आपकी मिली अग्निहोत्री गाइस। और ये रहा आपके सामने आज का होमवर्क। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेम्बर्स ऑफ द आसियान विच वॉज हेल्ड रिसेंटली। कोलोंगचू इज द फर्स्ट जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। क्वेश्चन नंबर 3, what is the name of the application launched to provide information to sportsperson about prohibited substances? US has eliminated the special status and halted defense export to which country? And आखिरी question है, which UN ministry has launched आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम। तो ये 5 सवाल के आपको आंसर्स करने हैं। आपको आंसर करने हैं इस ईमेल आईडी पर, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। Alright, so with this guys we will come to end. Thank you so much guys for coming. Bye bye guys, take care, prep smart, score better and go greater guys. Thank you so much guys, bye bye.